खबर ये है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वतन वापस आ सकते हैं, सितंबर या अक्टूबर का वक्त बताया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि जो चारों सूबों की सूबाई क़यादत है, आला क़यादत है, उसको भी तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। तो खेलदास साहब, क्या वाकई फ़ैसला हो गया कि नवाज शरीफ साहब सितम्बर या अक्टूबर में पाकिस्तान आ रहे हैं? देखें, एक कारकुन की हैसियत से मेरी भी ख्वाहिश है और बाकी भी करोड़ों जो वर्कर हैं उनके सपोर्टर हैं, वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब आए और इस मुल्क में जो मसाइल हैं उनकी रहनुमाई की ज़रूरत है इस मुल्क को। मगर मैं आपको बताऊं, मैं इस पोजीशन में नहीं हूं आपको एक डेट दे दूं या बता दूं कि नवाज शरीफ इस डेट को आ रहे। देखिए, नवाज शरीफ साहब के आने का फैसला या डेट देने का फैसला अख्तियार वो खुद उनके पास है। सर, आप तो डेट ही दे रहे हैं, लेकिन जावेद लतीफ साहब जो हैं वो डेट्स बड़ी दे रहे हैं। क्या उनके पास बड़ी कन्फर्म न्यूज है और वो आपके पास नहीं है? देखें मियां, जावेद लतीफ एक साल से कह रहे हैं, आज से नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जब से 22 शुरू हुआ है, वो कह रहे हैं कि 22 में आएंगे। तो अयाज सादिक साहब भी कहते रहे हैं, सिर्फ मियां जावेद लतीफ अकेले नहीं कह रहे, अयाज सादिक भी, बाकी भी सीनियर लीडर कहते रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि मियां साहब जल्दी जितना हो सके आ जाए। मगर मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक जो पार्टी की सतह पे या खानदान की सतह पे कोई फैसला मेरे नॉलेज में नहीं है कि मैं आपको इस टीवी पे आके बताऊं कि इस तारीख को आ रहे हैं। ये फैसला खुद वो करेंगे और उनका डॉक्टरों का भी उसमें ओपिनियन लेंगे, फैमिली मशवरा करेगी, फिर पार्टी फैसला करेगी और मियां साहब खुद ऐलान करेंगे जिस दिन भी वो आए। और बड़े फिर ऐसा कर लें, हमजा का बता दें, फिर हमजा कब आ रहे हैं वापस? हमजा भी जल्दी आ जाएंगे, हमजा साहब जल्दी पहुंचेंगे और इंशाल्लाह इनको पंजाब असेंबली में हम टफ टाइम पहले भी दिया है, अभी भी देंगे। और पंजाब की जैसे उनके फैसले थे, देखें आप मुझे बताएं कि पंजाब और पंजाबियों ने इमरान खान का कसूर क्या किया? जो 12 करोड़ का सूबा था, पहले एक नायल नालायक बुजदार को बिठा दिया, फिर जब हमजा शहबाज साहब आया उसको काम करने नहीं दिया। वो चाहते थे कि मैं आवाम को रिलीफ दूं और उनके फैसलों से उनके जो वो चाह रहे थे 100 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करूं पंजाब के आवाम को, ये अदालत में चले गए पीटीआई वाले। तो वो सारे जो उनके मंसूबे, उनका जो विजन था वो रुक गया है। तो वो जरूर आएंगे और वो हम पंजाब को, पंजाब के आवाम का हक है कि मसाइल हल हो। वो कोई यतीम सूबा नहीं है, जैसे कभी हम सिंध वाले बोलते थे, बलूचिस्तान वाले बोलते, आज तो पंजाब की हालत भी यही हो गई है। तो मैं समझता हूं कि हमजा शहबाज भी आएंगे। और दूसरी बात, मेरे भाई ने कही कि रिलीफ, देखें मेरी बात सुने, मैं आपको एक चीज बताऊं, हमने वजीर अजम शहबाज शरीफ साहब की कोशिश और उनकी कावश से आज चीनी सस्ती मिल रही है। इमरान खान की हुकूमत में 120 रुपए थी, मगर आज चीनी कंट्रोल में, आटा कम वो कंट्रोल है। अद्वियात आज कैबिनेट में डिस्कस हुई, उन्होंने कहा रेट नहीं बढ़ाए। और दूसरा मैं बताऊं, पेट्रोल जो है, पेट्रोल अगर हम सब्सिडी दें आज भी सस्ता कर सकते हैं, मगर आईएमएफ से मुझे बताया जाए कि किसने मुआयदा किया, फिर आईएमएफ से मुनरफ कौन हुआ? ये मिफ्ता इस्माइल अपने घर में नहीं कोई प्रॉफिट हो रहा है या कोई फायदा हो रहा है। जाहिर है 150 की चीज, 250 की चीज खरीद कर मिफ्ता 150 में नहीं दे सकता। या तो हम इतने मजबूत होते, इतनी हमारी मईशत मजबूत होती कि हम 100 रुपए का रिलीफ दे देते। तो ये सब्सिडी इसलिए हमने खत्म किया कि आईएमएफ से इमरान खान ने वादा किया। और ये 4 महीने से जो आईएमएफ के लिए पैकेज के लिए जो मिफ्ता इस्माइल पापड़ अकेले भेज रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि इनकी गलतियों की वजह से, इनके मुआहदों की वजह से, इनकी जो ये रियासत मुआहदा करके आई। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। ये सरत साहिबा, ये तमाम पर पीटीआई का करा धरा है। ये खेलदा साहब ये कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मजबूर हैं, हम क्या करें, मुआहदा तो इमरान खान साहब ने किया था, भुगत अवाम रहे हैं। हम इनकी तरह नहीं कह रहे हैं, हम जी मुसरत साहिबा, इमरान साहब हम मुल्क को